क्लास 8 में एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से, ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का बी, यानी लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, जिसमें ये एक्स वाई जेड और डब्ल्यू इक्वल टू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबका सम निकालना है। तो इसका सम क्या होगा, ये x का सम जो, ये x का वैल्यू जो है हम लीनियर पेयर के प्रॉपर्टी से इजीली निकाल सकते हैं। x का वैल्यू निकल गया, x रख दिया हमने, y का वैल्यू भी हम, ये एक लाइन में दोनों एंगल बना हुआ है तो लीनियर प्रॉपर्टी से इसका भी एंगल, हम y का एंगल निकाल सकते, 180 में 80 को माइनस किया आ गया। ठीक है, यहां भी 180 में, ये भी लीनियर पेयर है, 180 में 60 को माइनस किया ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यानी जेड वैल्यू भी आ गया, डब्ल्यू नहीं आएगा, डब्ल्यू के लिए हमारे पास अंदर का एंगल नहीं है। तो अंदर का एंगल नहीं है, इंटीरियर एंगल नहीं है, तो इंटीरियर एंगल को सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है कि चूंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, अब क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री होता है, तो सबको सम करके माइनस 360 में माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा, और जहां ये वैल्यू आया तो ये भी आ जाएगा, उसके बाद चारों को हम सम कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी का यूज करके पहले वो एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसके पहले भी उसका जो है मेजर वैल्यू का, मेजर वैल्यू इसका उस सपोज करना पड़ेगा। लेट द मेजर्स ऑफ द रेस्ट एंगल इज एज शोन इन फिगर। ठीक है, अब आप इस फिगर को इजीली बना लीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत गलत भी बन जाएगा, रफ हाथ से कर रहे हैं तो थोड़ा गलत भी बन सकता है। ये कितना है, वाई है। ठीक है, ये कितना है, 80 है। ये कितना है, 60 है। ये कितना है, जेड है। ये 120 है। ये ऑलरेडी एक्स है। ठीक है, ये डब्ल्यू है। ठीक है, और इसको हम क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम पी मान सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, तो पी हमने मान लिया। लेट द मेजर ऑफ द रेस्ट एंगल इज पी, ऐसा भी आप कर सकते हैं, यहां पर इज पी ऐसा भी कर सकते, इज पी। ठीक है, कैपिटल या स्मॉल, सारे स्मॉल में दिया हुआ है तो हम इसको भी स्मॉल में ही मानते हैं। ठीक है, पी एज शोन इन फिगर। ठीक है, मान लेते हैं पी है जो फिगर में शोन किया, और फिगर बना के पी को हमने शोन कर दिया, तो हम क्लियर हो जाएंगे। एक्चुअल में क्या है कि यदि एंगल देखा जाए तो ये भी एक एंगल बन रहा है। ठीक है, ये भी एक एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है, यहां भी एक एंगल बन रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, तो उसको अलग से नाम देने की जरूरत, अलग से हमने एक नाम दिया पी है, तो सामने वाला कहां खोजेगा कि कौन सा पी है। ठीक है, तो हमने ड्रॉइंग में ही, फिगर में ही पी को ऐड कर दिया, तो क्लियर हो जाएगा कि इस एंगल का ही नाम मैंने पी दिया है। ठीक है, तो किसी भी तरह से बताने का है कि पी एंगल यहां पे हमने सपोज किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंस सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो क्या होगा, सो या देयरफोर क्या होगा, पी प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120। ठीक है, ये चारों का जो सम होगा वो होगा 360। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी प्लस
ठीक है, 120 80 200 260 260 इक्वल टू 360। ओके, तो वैल्यू क्या हो गया, इक्वल टू P इक्वल टू क्या हो गया 360 माइनस 260। लिखना है तो लिखिए, ट्रांसपोज किया हमने, ठीक है, अब इतने इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, P का वैल्यू 100 डिग्री आ गया। अब एक एक करके वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ, इतना आप लिख लीजिएगा, इसके आगे हम करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा P का वैल्यू 100 डिग्री आया है, ठीक है। ठीक है, सिंस या ये निशान भी बना सकते हैं, ठीक है, क्या है x प्लस 120 इक्वल टू क्या है, x प्लस 120 इक्वल टू, थोड़ा इधर मैं लिखता हूं, ठीक है, सिंस x प्लस 120 इक्वल टू कितना वैल्यू है 180 डिग्री, ठीक है, पहला है। दूसरा y प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है, ठीक है। थर्ड क्या है, z प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, और लास्ट w प्लस, ठीक है, कितना वैल्यू आया था 100 या p, ठीक है, तो 100 इक्वल टू 180, ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑल आर क्या है, लीनियर पेयर, कोई तकलीफ, चारों का चारों एक साथ मैंने बना दिया, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 180 माइनस 120 पहला हो गया, y इक्वल टू 180 माइनस 80 सेकेंड हो गया, z इक्वल टू 180 माइनस 60, आप चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, w इक्वल टू 180 माइनस 100, ठीक है, वैल्यू कैसा आ गया, x इक्वल टू 60, y इक्वल टू 100, ठीक है, z इक्वल टू 120 और w इक्वल टू 80, ठीक है, तो देन x प्लस y प्लस z प्लस w इक्वल टू 60 प्लस 160 हो गया प्लस 120, ठीक है, 180 हो गया और 280 और 80 कितना हो गया 360 डिग्री यदि आंसर है तो हमारा सॉल्व हो गया है, और नहीं है तो हमारा सॉल्व में कहीं कुछ मिस्टेक है, तो वैल्यू आ गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, तो फाइंड आउट हमको करना था x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू व्हाट, ठीक है, फाइंड करना है, तो हमने फाइंड आउट कर दिया इक्वल टू 360। यदि आप चाहे तो इन चारों को अलग अलग भी कर सकते हैं और सब ले सकते हैं कि लीनियर पेयर है, ठीक है, तो ए में जैसा बनाया था वैसा भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मैंने बना के कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया, अब आगे हम 3.2 पे करेंगे, ठीक है।